मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हेयर अगेन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द 9th चैप्टर. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ मनी. इट मीन्स कि हम मनी को कैसे ऐड करेंगे. देखिए इसमें हमें दिया रुपीज. देखिए जो हमारा डेसिमल होता है इसके जो लेफ्ट साइड में होते हैं ये होते हैं रुपीज, और जो इसके राइट साइड में होते हैं ये होते हैं पैसे. तो जब भी हम रुपीज को ऐड करेंगे तो ऐसे कॉलम बना लेंगे, रुपीज का अलग और पैसे का अलग, और डेसिमल को डेसिमल वाले पॉइंट को डेसिमल के नीचे एक ही लाइन में हम लिखते हैं. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले रुपीज़ और पैसे के जो कॉलम होते हैं उनमें रुपीज़ रुपीज़ के कॉलम के नीचे और पैसे पैसे वाले कॉलम के नीचे रखते हैं, और फिर जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को ऐड करते हैं सेम ऐसे हम इनको ऐड कर लेंगे. तो अब देखिए हम एग्जांपल देखते हैं कैरी वाला. ऐड 23.50 यानी कि 23.50 एंड 49.55. तो इन हमने पहले क्या किया, कॉलम सेट किए, ये रुपीज़ वाला ये पैसे वाला. रुपीज़ के अंडर में हमने रुपीज़ लिखे, फिर डेसिमल वाला पॉइंट लगाया, फिर पैसे लिखे. अब हम ऐड करेंगे. देखिए 0+5 यानी कि 5 5+5 10. 10 में हमने 0 यहाँ लगाई और कैरी जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को करते सेम हमें वैसे ही ऐड करना है. ऊपर नेक्स्ट नंबर के ऊपर हमने कैरी लगा दिया. फिर हम इनको ऐड करते 1+3 4 4+9 13 का 3 लिखा और 1 फिर कैरी कर दिया. अब 1+2 3 3+4 7. तो इस तरह से हम जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को ऐड करते हैं सेम ऐसे ही, जैसे नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं सेम ऐसे ही हम ये पॉइंट वाले नंबर्स को यानी डेसिमल्स वाले नंबर को भी ऐड करेंगे. बस क्या करेंगे, पूरा ऐड करने के बाद डेसिमल जहाँ पे लगा है उसी लाइन में हम नीचे भी डेसिमल लगा देंगे. आप देखिए हम क्वेश्चन करके देखते हैं. एच पार्ट करेंगे. 5+0 5 7+5 12 12 हमारा होता है 10+2 यानी कि 110 एंड 2. तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, 1 यहाँ पे कैरी कर लेंगे. 1+5 6 6+5 11 फिर से 1 यहाँ पे कैरी. 1+3 4 4+1 5 और फिर जिस लाइन में ये हमारा पॉइंट लगा उसी लाइन में नीचे पॉइंट लगा देंगे. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एडिशन. नेक्स्ट हम करके देखेंगे आई पार्ट. 0+0 0 9+3 12 12 का हमने 2 यहाँ लिखा, 1 यहाँ पे कैरी. 1+5 6 6+1 7 1+2 3 और फिर पॉइंट वाला लाइन के नीचे पॉइंट. तो इस तरह से हम सारे एडिशन के क्वेश्चन कर लेंगे. फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, यानी मनी को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. सेम वैसे ही जैसे हम नेचुरल नंबर को ऐड करते थे वैसे ही मनी को ऐड करते थे. सेम ऐसे ही जैसे हम नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे ही हम मनी को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे. यानी कि जो बड़ी अमाउंट है उसको ऊपर लिखेंगे और छोटी को नीचे, और उन्हें सेम ऐसे ही कॉलम्स में अरेंज करेंगे फर्स्ट. फिर जो बड़ी अमाउंट है उसको ऊपर लिखेंगे और छोटी को नीचे, और फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे. देखिए इसमें 45.60 को पैसे के नीचे लिखा, 45 को रुपीज़ वाले कॉलम के, 23 रुपीज़ एंड 50 पैसे में 50 पैसे हैं उनको पैसे वाले कॉलम के नीचे, और रुपीज़ को रुपीज़ वाले कॉलम के नीचे. और फिर जैसे हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं सेम ऐसे ही करेंगे. 0-0 0 6-5 1 5-3 2 4-2 2 और फिर वही उसी लाइन में हम नीचे भी डेसिमल लगा देंगे. अब देखिए हम क्वेश्चन करके देखते हैं. ये एच पार्ट देखिए, ये करेंगे हम 5-5 0 2-2 0 5-0 5 4-2 2 और फिर डेसिमल को भी उसी लाइन में लगा देंगे. तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब हम आई वाला पार्ट करके देखेंगे. 3-1 यानी कि 2 6-7 देखिए 6 क्या है, 7 से छोटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बोरो करना पड़ेगा. तो ये 16 हो जाएगा और यहाँ पे 1, तो 16-7 यानी कि 9. यहाँ पे 1 है, 1-0 1 1 और फिर ये डेसिमल यहाँ पे हम लगा देंगे.
अब देखिए ये वाला पार्ट करें, 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 5 1, और फिर यहाँ बीच में डेसिमल वाली लाइन के नीचे डेसिमल लगा दें। तो इस तरह से जैसे हम नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम ऐसे ही हम रुपीज़ को भी सब्ट्रैक्ट इसी तरह से करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज ओवर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।